वहां पे हमारे बगल में ही पुलिस थी, फिर डॉक्टर्स भी थे, उनका स्टाफ भी बाहर बैठा हुआ था, देख के भी अनदेखा कर रहे थे कि हाँ कि ये लोग इतने परेशान। हम कई बार उनके पास गए, जो पेशेंट है उन्हें ये पता है ये बीमारी ऐसी कि एक दूसरे से फैलती है। राम मनोहर लोहिया तो हम वहाँ हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल वालों ने हमें यहाँ से वहाँ घुमाया, वहाँ से यहाँ घुमाया, फिर लास्ट में डॉक्टर बोल रहे कि इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, आप इन्हें ना LNGP लेके चले जाओ। LNGP वालों ने नाम, एड्रेस, फोन नंबर सभी कागज में लिख के वो अंदर लेके चले गए। फिर हमने बताया कि इनकी हमने टेस्ट करवा लिया तो पॉजिटिव है टेस्ट। तो फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है आप ऐसा करो जो आपके नज़दीक में जो हॉस्पिटल है आप उनको वहाँ लेके चले जाओ। तो हमने उनका नाम नाम लिख के दिया, वो बुराड़ी हॉस्पिटल का। तो वो हॉस्पिटल ही चालू नहीं हुआ था, फिर हम परेशान हो गए, फिर हम वहाँ से फिर दोबारा LNGP आए, फिर हमने डॉक्टर को बताया। तो फिर उन्होंने हमें फिर दूसरी बार फिर मॉडल टाउन भेजा, महादुर्गा हॉस्पिटल। तो फिर वहां पे जाने के बाद वहां इतने ज्यादा मच्छर, बाहर हमें बैठा भी नहीं जा रहा था, वहां पे ना खड़ा हो जा रहा मच्छर इतने काट रहे, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6 महीने में चल रहे प्रेगनेंसी के, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर ना हमने सुबह ना हमने शाम से कुछ खाया, तो दोपहर को ही हम खाना खा के निकले थे घर से। वहां से फिर दोबारा सोचा हम दोबारा LNGP गए दूसरी बार, फिर दोबारा वहां बोला तो फिर उन्होंने हमें एक लिस्ट दी, उसमें 3-4 हॉस्पिटल के नाम थे, मतलब तो उन्होंने बोला जहां आपको सही लगे आप वहां चले जाओ। तो हमें जाते थे वजीराबाद पास लग रहा था, तो फिर वहां पे भी काफी रात हो गई, जैसे 2-3 बज गए। फिर वहां पे जाने के बाद फिर उन्होंने बोला हम नहीं ले सकते ऐसे, आप एक काम करो आप इनको लेके जाओ और हॉस्पिटल वालों को बोलो LNGP वाले को कि वो अपने एम्बुलेंस से और अपने स्टाफ के साथ भेजेंगे इनको, तो हम और वो हमें रिपोर्ट करेंगे कि हमने अपना पेशेंट भेजा है आपके क्या नाम है यहाँ पर, तभी हम इनको एडमिट लेंगे। तो फिर हमने LNGP वाले ने हमें बोला था कि अगर वो एडमिट ना करे तो आप ना पुलिस कंप्लेंट कर देना, 100 नंबर पर कॉल कर देना। फिर हमने उनके सामने ये भी बोला कि सर हम 100 नंबर कॉल कर देंगे फिर भी आपको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आप 100 नंबर को कॉल करो चाहे बड़े से बड़े मिनिस्टर को कॉल करो, हम नहीं लेंगे जब तक LNGP वाले हमें खुद नहीं बोलते कि हमने अपना पेशेंट भेजा है। तीसरी बार हम वहां से फिर LNGP गए, तो फिर उन्होंने बोला आपको 100 नंबर कॉल करना चाहिए था। फिर हमने फिर LNGP पे खड़े होकर 100 नंबर को कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो फिर 100 नंबर से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। फिर हमने अपनी तरफ से ही खुद एम्बुलेंस बुलाया कि चलो एम्बुलेंस आ जाएगी तो फिर हम एम्बुलेंस में करके लेके जाएंगे तो शायद वजीराबाद वाले जो है वो रख लेंगे इनको। तो फिर जैसे एम्बुलेंस आई फिर हमने डॉक्टर से बोला LNGP वालों के से कि सर आप लिख दीजिए कि हमने भेजा है ये एम्बुलेंस और आप किसी स्टाफ को भेज दीजिए कि हमारे पेशेंट को ले लेंगे वो। लेकिन ना LNGP वालों ने ना तो कुछ लिख के दिया ना किसी अपने स्टाफ को भेजा। तो सर हम हार मान के सर क्या कहते हैं फिर हम वहीं बैठे रहे, फिर रात को वहीं गुजारनी पड़ी। अब वैसे भी मैं दूसरे हाल में हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी और मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को सांस फूल रही थी, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पे हमारे बगल में ही पुलिस थी, फिर डॉक्टर्स भी थे, उनका स्टाफ भी बाहर बैठा हुआ था, देख के भी अनदेखा कर रहे थे कि हाँ कि ये लोग इतने परेशान। हम कई बार उनके पास गए, जो पेशेंट है उन्हें ये पता है ये बीमारी ऐसी कि एक दूसरे से फैलती है, तो कम से कम पेशेंट को तो वो लोग कैसे भी करके अपना उनको कुछ मेडिसिन देते या उनके लिए तो कुछ तो करना चाहिए था ना। जैसे सुबह हुई 10 बजे डॉक्टर आए, फिर उन्होंने पर्चे में
वजीराबाद वाले के लिए, फिर उन्होंने अपने पर्चे में लिख के दिया और बोला कि ठीक है हम क्या नाम है आप लोग एम्बुलेंस करो, हम अपने मतलब अपनी तरफ से स्टाफ को उसमें भेज देंगे। फिर जो एम्बुलेंस में थी एक सिस्टर, और तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सिर्फ हम पेशेंट को ही लेके जाएंगे। मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि ये लोग ना मुझे एडमिट नहीं ले रहे। फिर मेरे हस्बैंड को इन्होंने LNJP दोबारा लाके एम्बुलेंस वालों ने फिर दोबारा रखा। हॉस्पिटल पे खड़े हैं, प्रिंटर दे जो है कोई इनको भर्ती करने नहीं आ रहा है। वहाँ पे डॉक्टर ने जो इनका पेपर देखे वहाँ पे क्या नाम है वजीराबाद में, वो इन्होंने कहा था ये लोग पॉजिटिव है इनको वापस वहीं ले जाओ LNJP, क्योंकि वहाँ पे केवल टेस्टिटी तो रखे जा रहे हैं। LNJP वाले तो मैडम 4 घंटे हो गए जी खड़े हैं, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स है नहीं।